प्रिंस सनी राजपूत ने लिखा था कि प्रणाम अनंत श्री जी, आपका मिलना एक आशीष की तरह लगता है। अभी ध्यान में आकर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सारा आभार। बहुत अच्छी बात है, अच्छा लग रहा है, प्रसन्न रहें और चलते रहें। ये एक सिलसिला है नदी के प्रवाह की तरह, तो इसमें चलते रहना है, बस चलते रहना है, वही महत्वपूर्ण है। आशीष अस्तित्व की इस यात्रा में हमारे ऊपर बरसता है। जब हम तैयार होते हैं, रिसेप्टिव होते हैं, वो घटता है। कभी हमें कोई व्यक्ति आशीष की तरह लगता है, कभी कोई विचार आशीष की तरह लगता है, कभी कोई परिस्थिति आशीष की तरह लगती है, ब्लेसिंग की तरह लगती है। ये हमारा एटीट्यूड है। देखिए, आशीष को अनुभव करना भी हमारे अंदर की एक अच्छी बात का परिचायक है। हम कहीं पर गए हैं तो वहाँ तमाम चीज़ें हो सकती हैं, सुगंध हो सकती है, दुर्गंध हो सकती है, लेकिन अगर हम सुगंध को महसूस कर रहे हैं तो हम सुगंध के प्रति संवेदनशील हैं और हमारा जीवन सुगंधित बनेगा। इसी तरह से ये आशीषों की बात है। आशीष का अनुभव करना अपने आप में एक आशीष है, तो ये अच्छा है, चलते रहें उस यात्रा में।